आप अच्छी तरह से जानते हैं चाहे वो हिंदुस्तान का मामला हो नेपाल का मामला हो बांग्लादेश का मामला हो इवन पाकिस्तान का मामला हो इवन ईरान का मामला हो आप देख रहे हैं जहाँ जहाँ आतंकवादी घटना होती है जहाँ जहाँ लोग घुस जाते हैं और जहाँ जहाँ घुसपैठ होती है जहाँ जहाँ लोग अपना आई कार्ड बना लेते हैं आधार कार्ड बना लेते हैं लोग जाली पासपोर्ट भी बना लेते हैं वहाँ वहाँ ये होता है कि वहाँ की अमनीयत में खलल पड़ता है वहाँ की सिक्योरिटी को प्रॉब्लम होती है वहाँ के अमन को थ्रेट होता है तो उससे बचने का एक ही उपाय है कि हमारे देश के होम मिनिस्टर को हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर को हमारे देश के इवन दिल्ली के कमिश्नर को ये मालूम होना चाहिए कि दिल्ली में कौन कौन से लोग कागजात के साथ हैं और कितने लोग बिना कागजात के हैं तो जो बिना कागजात के लोग पिछले 40 साल से पिछले 30 साल से पिछले 20 साल से और पिछले 10 साल से परेशान थे उनके लिए बहुत ही खुशी की खबर है कि उनको ये बताया गया है कि हम आपका हाथ थामने के लिए तैयार हैं और आपकी शराफत की ज़िंदगी को हिंदुस्तान के पासपोर्ट के हवाले से एक सच्चाई का सर्टिफिकेट देने को तैयार है मुझे लगता है इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए वो किसी भी मकतबी फ़िक्र का हो सकता है वो सताया हुआ है हम शिया समुदाय मानते हैं देखिए मज़लूम मज़लूम है चाहे वो किसी सम्पुर समदाय का हो और किसी स्टेट का हो और किसी पंथ का हो जैसे मैं बिहारी हूं मैं मानता हूं कि बिहार को बिहारी को अगर महाराष्ट्र में मारा जा रहा है तो वो भी गलत है और आसाम में मारा जा रहा है तो वो भी गलत है और केरला में मारा जा रहा है तो वो भी गलत है मैं कोई स्पेशल कर्नाटका का मुखालिफ या महाराष्ट्र का मुखालिफ नहीं हो जाऊँगा मैं तो अपने बिहारी की बात करूँगा बिल्कुल इसी तरीके से अगर प्रधानमंत्री ने होम मिनिस्टर ने फॉरन मिनिस्ट्री ने मिल के उन लोगों को कि जिनके पास कागजात नहीं हैं और उसकी वजह से हम धोखे में हो सकते थे तो उन्हें कागजात देने की बात की है मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा कदम है और बहुत ही सराहनीय कदम है कि कोई आदमी अगर 10 साल से 15 साल से हमारे मुल्क में रह रहा है सही है उसका हक है और उसे पासपोर्ट दिया जा सकता है तो यकीनी तौर पर पासपोर्ट दिया जा सकता है एक बात बताइए जब लोग दुनिया के दूसरे मुल्कों में एक मिलियन डॉलर देखे पासपोर्ट ले सकते हैं जब दुनिया के दूसरे मुल्कों में चंद खत्ता ज़मीन का ख़रीद के पासपोर्ट ले सकते हैं जब दुनिया के दूसरे मुल्कों में इन्वेस्टमेंट दिखा के पासपोर्ट ले सकते हैं तो हमारे मुल्क में अगर कोई 20 साल की ज़िंदगी गुजार रहा है और उसके प्रवजों का नाता हमारी ज़मीन से हमारी मिट्टी से हमारी तहजीब से है तो उसे कागज़ क्यों नहीं मिलना चाहिए